नहीं, गा रहे गोद में चर्य चर खेलते, सच्चे इंसान तो यहाँ पर हुयान पे, दिल बिताते सदा कष्ट को झेलते, पास बेंगलोर के ग्राम हरदारपुर, रोहिणी नाम की एक विधवा रही, तेरह बरस तक बेटी थी विमला सुभर, माता ममता में मरते समय ये कही। हाँ, समाजी गीत बाप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आज से आंसू अजीब भाबा कि बेंगलोर शहर से दूर हरदौलपुर गांव में एक विधवा के एक लड़की रह 13 साल के, लड़की का नाम विमला, मतारी के अंतिम टाइम आगल, माई जब बेटी का हाथ हाथ में लेके और कह लगल कि बिटिया जन्म देख के संसार में तोहरे लिए कुछ कैली ना, यार चले के टाइम आगल तो चले से पहले तो है एक बात कह के जाते, का कहलत मतारी? सर जिया वह बाप करबला चलो करबला चलो, लेकिन माँ कर रही है कि इज्जत ईमान को, 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 अरे मैं तो भेजना नहीं, इज्जत ईमान को, इज्जत ईमान को, इज्जत ईमान को, माँ करी है ये संसार है और जिंदगी का रूप बतलाती है कि दुनिया में खाती है समय की मार, जिंदगी होती कभी बाहर कभी बाहर, जिंदगी माँ कह रही है कि बेटी ये संसार हो बड़ा दुख धोखे हो, अकेले हो जेबू दुनिया में तो सारा दुख झेल लिया आप ये संसार के, लेकिन स्त्री का लाज मत गवाई आप, इतना कह के माँ दम तोड़ देती है। अरे माता पिता विहीन हुई विमला बेचारी, मामा के घर में जिंदगी जवानी सवारी, मामा से दयालु पर मामी थी कर कसा, दिन रात करने लागी विमला की दुर्दशा। ए भैया लड़की अकेल हुई, लड़की का मामा के उठा लेना अपने घरे, अब कहलन की बिटिया हमारे एक का बेटवा बा बेटी नहीं बाप, तो हम तो के बिटिया बना के पालत, चिंता मत करी हा, कोनो दुख मत करी हा, लेन अपने घरे जरूर, लेकिन मामी के बड़ा खलल बात, लड़की का जात बाप और एक खियावे के पड़ी, कपड़ा देव पड़ी, समय के अनुसार करे ब्याहे में 10-20-25-50 खर्चो हुई, ये तो बड़ा घाटा भेल। तब मामी जो हो बार बार लड़की की कहे कि खा कर के अपना घर मेरा घर खाने आई है, मनहू समूह अपना भी खाने आई है, मामी कहे कि अपन घर खा गए लू हमारो घर खाए चले लू हमो के बर्बाद करबू। ए भैया ऐसी तन बात कहे कि लड़की घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन कैसे भागे कहाँ जाए नाथ, लड़की अपने किस्मत पर रो रही है, तरले बाबू है बा कि अरे आंगने में फूल फूल के नवाय नाना दी, बजले बधैया तुवरे पे गणक भाबा कि रोब की समाता पगारी बाई जतिया छतिया छिड़ाया ले बतिया से, अरे दुनिया में मांगा लेना मिलल मऊतिया छतिया छेदा जाले पतिया से, सोच सोच के लड़की रोज बाप कि नन्हवा त माई बाबा भइल सपनवा, आ देहल न विधाना करम में बिरनावा, के करा से कहीं हम बिरह विपतिया छतिया छेदा जले पतिया से। अपने तकदीर पर रोत बाप
लेकिन ए भैया मामी कहे काम घरे के करावत, सारा काम काज लड़की से करावत, पशुन के चारा पानी के भेज दे, घास उसने के अगर देरी हो तो कहे काम। अरे मेहना सुनावे, मेहना सुनावे, मामी रोज हंस के है कि मारे नजर नहीं आवे पत के, मारे नजर नहीं आवे पत के, का करतो अभिनेश के मामी बोला वाली मनहूस के बेचा धीरे से बता वाली। अपने लड़का दिनेश के बोली मामी और कहलिन की बचवा एक काम करवा कह का तो और बाप बड़ा घाटा का सौदा कैले ये लड़की उठा के लिए एक खिया रुपड़ी कपड़ा दे पर समय के अनुसार के ब्याह में 10-20-25-50 खर्चा हुई बैंक बैलेंस बिगड़ जाये। एक काम न करता आप ऐसा उपाय लगाता आप कि घरे का पैसे बच जात और 2-4 हजार और घर में आ जात। लड़कवा कर दी कैसे माई कल ले जाएगा कहीं बेच आवा और जितना का बिका उतना का बेचे ढेर मोल भाव जीत करी आप और जमाना हो बिक जाये। दिनेश कलन ठीक है घबराए जीत तनी बाबू के नजर बचा के हम ये काम कर दे। बाबू के बड़ा मानल है बड़ा दुलार से लिया उन घरे तो उनका नजर बचा के काम करब। अरे समय से कोई भारी है नहीं बरसे बिरह पदरिया बिमना पली बेचारी तो मामा महेश गमगीन रहे ओ नारी के अधीन रहे दिल से हिम्मत को हार चुके दानी होकर भी दीन रहे। जौन मरद मेहरारू के बस में हो गई ना उनकर भगवान कल्याण करे। ए भैया ये सामाजिक सच्चाई है कि मामा महेश गमगीन रहे वो नारी के अधीन रहे। भैया मामा बड़ा दुलार लड़की के करे लेकिन मामी के सामने उनकर हिम्मत न पड़े कुछ बोले कर। मामी लड़की के तकलीफ दे तो यह न कह पावे कि लड़किया के दुख मत दा इतना कह के हिम्मत उनके पास ना रहे लिखे पड़ल कि मामा महेश गमगीन रहे वो नारी के अधीन रहे दिल से हिम्मत को हार चुके दानी होकर भी दीन रहे। एक दिन दिनेश विमला से कहा के बहन आज मुरझाई है अब तेरी शादी की चिंता कर मौसी बेंगलोर बुलाई है। लड़कवा एक दिन लड़की के बहकावा लगल करे बहन कैसन उदासन रहलू के भैया का करी बाप मतारी मर गेल अनाथ हो गेली मामा ले लंग जरूर लेकिन मामी के सिर पर बोझा हो गेली। लड़कवा कहलक की उपाय बाप हमार मौसी बेंगलोर सहरिया में रहले और बड़ी पैसा वाली होकर केहू हो ना अब तो क्यों अगर वही पहुंचा दे तो मौसी घर पर परवस्ती मजे में हो जात मौसी के सेवा टहल करी आप ओकरे के उबा नहीं तो के मजे में पाल ली। कलब के भैया तो बड़ा नीक होला हमके पहुंचा दे मौसी के हम मौसी के सेवा करके दिन बिता ले बस देकर बहकावा विमला को वह सियाने में लाया है और चंपा बाई से जाकर 3,000 की अलग जगाया है। कलब की बिनतारे तैयार है चल मौसी के तुके पहुंचा दे भोर में नई लड़की के जगा के लिए चल दे अलियाल बेंगलोर शहर में जहाँ बेस्या लोगन का बाजार वही जगह पर लिया है। अलिया के चंपा बाई की कोठा पर पहुंचल और कहल की चंपा बाई ये लड़की है एक रखला 3,000 रुपया हमके दे दब। चंपा बाई कनी जे माटी घड़िया खरीदल वो ठोक के खरीदल तो तनी हमके बता दे कि हाँ कौन हम जान ले तब न किनब पैसा तो दे हम 3 से ऊपर दे देव कुछ रस्ते के किराया भाड़ा दे देव कुछ नाश्ते पानी के दे देव लेकिन बतावा हाँ कवत कलत करे चिंता मत करे अनाथ लड़की कर बाप मतारी मर गल कोई हाव ना करे हम करे मामा का लड़का है हम ही गार्जियन है नाता में कर भाई है हमके 3,000 मिल जाए तो क्यों बोला वाला न रही। चंपा बाई कहीं के आए हरे जमाना हम तो बेस्या रहे के लिए तब हमारे लिए बुरा आदमी निकल ले। चंपा बाई फटकार रही है दिनेश को कहती है क्या अरे बहिनिया बहिनिया शरम न तोहके अरे बहिनिया बेच बदे अला शरम न तोहके रहनिया बेच बदे अला शरम न तोहके बाहर। एक बार लड़की बिक गई तो यहाँ की दुनिया में ना लाज पर्दा अब
फिर ना मिली बहनी बेटी का दर्जा। अरे रोशनिया जब गई था तरह मन पाके ले जा इस सौदा हम ना खरीद। अरे ये तो एकदम नाता में दागी लगा दे बस क्यों दलाल लेके हाल हो हम खरीद ले लेकिन हम ऊ विषया ना है जो कि इतना जल्दी ये रिश्ता में दाग लगा दें। अरे कह चंपा भाई ढेर भक्ति जिन छाटा दिनेश लग रहे हैं फटकारे ऊ करब की जा लेके यहाँ तो हर जा सामने से हमें केना खरीद। दिनेश निकलन वहां से और सोचे लग चंपा बाई के बतिया के खलत बा लेकिन जोन काम से निकला वो काम के करत बा लिए कभी यहाँ दोनों बात कहलन है और तर्जबा बदल गिर बा। कौन सा तर्ज बा? सन 87 के नई तर्ज है कई जिला से चलल बा एकर लय बा। एक लाइन सवाल एक लाइन जवाब सवाल बा कि कहावा का खायर चुनावा कहावा का पान का कटी कुली कहावा कटी कुली लीलरवा मर हो जान कहावा कटी कुली तब ओकर जवाब रहल का कि छपरा कठोर चुनावा पटना कपान हुगली कटी कुली हुगलियो के जिला हुगली कटी कुली लीलरवा मर हो जान। ये तरज में लेकिन गाना का भाव बाप कि दिने से के दाया लावे फेरो गुसियाल धर्म कन्हैया धर्म कन्हैया धर्म कन्हैया का भाई कि नरावा डूबाऊ तिराय धर्म कन्हैया चमेली बहिया बेचन बहिया धर्म धर्मवा गैल बिकाय धर्म कन्हैया ए चंपा बाई ना खरीदी चमेली बाई के यहाँ ले गेल लड़की के और कहलन कि ये लड़की के रखला 3000 रुपया दे तो चमेली बाई यानी 1000 में 1 रहल चंपा बाई और चमेली बाई आम विश्यावाली रहल 3000 रुपया निकल के तुरंत दिल साहब देश बगल में रुपया रखल लड़की के छोड़ दिलन हो कल की बहन अब तू मौसी घर रहा हम तनि बाजार से चाय पानी करके आई ला बहाना बना के निकलन दोपहर से साज तनी जब अनहार भर तक घबराए लगल सवाल करे लगल पूछे लगल चमेली बाई से का पूछे तर्ज बड़ी पुरान बाप कि बतावा बनमू रात काहे नैला लेकिन पूछली बिमला बजरिया में गइल बतावा मौसी भैया काहे नैला मौसी भैया ना आइल कहा रह गेल चमेली कहे सुना सोना चिड़ैया आ तोहरा के बेच गईला तोहरे भैया तोहरा के बेच गईला तोहरे भैया
पानी के अबला दगा संग कमैले बताव मौसी भैया कहे नहीं ले भैया कहे नहीं ले अरे तो भाई रहा 3000 रुपया में हमारे हाथों में चले बाबू। हम मौसी ना है चमेली बाई है एक कोठा है और तोर मनवा हुई तुमके मौसी कहे हम इतराज न करब। लड़की कलेजा धक से कर देना की का होएगा माई करल के संसार में स्त्री का लाज मत गवाया लेकिन आज हमार नाता में भाई रहल मामा के लड़का रहल ऐसा जगह पहुंचौलत अब कैसे अपन लाज रखब ये सोच करवत बा लेकिन यहाँ करुण भाव बा माई ममता कमतिया बिखरी गई आज अपने मतारी की आत्मा से कह रहा लगा कि अरे काहे नहीं जाना मैं तू देहल मरना आज कोठावा पर लूटी माई कहे दुलाया तोरो नहीं हर कन्या ही अखार गईली हो माई ममता कमोती बिखारी गईली हो कह बाकी माई अरे हमके जन्मते मार दे रहे हो तू और शिक्षा देवे के बजाय अपने संग ही ले गए हो तू तो हमारा संसार में ऐसा जगह पर पहुंचे के बारी नहीं आओ आज तो हर बात दुनिया से खत्म हो जाएगी ये बात सोच सोच के रोत बाप और तब तक चमेली बाई घूर उर सामने रख गई कनी के हाई गोले में बांध ले और नाचे सीख ले गावे सीख ले रो बंद कर कलत की न घुघरू पाँव में बांधा न नाचे न गाना गाई तब तक चमेली बाई कोड़ा उठा ले ली बड़े बड़े के नाचे सिखा दे ली गावे आए घर और तुहार का हस्ती है रुपया 3000 दे ले ही वसूल कर ले कह के लेकिन तर्ज बदल गई तर्ज भाई हूँ सन 87 के नैये बा अतनी मनोरंजन कहला कितना जने के यहू बिना पड़ता ना आया वाला बढ़िया बढ़िया खूब बात सुनावत रहा लेकिन बहु जने के ध्यान में बात नहीं बैठत हाइय कुल बात तो नहीं जम जले साहब जैसे कि कैसे साहब के जचगिल बात कि जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया लिपट रहती राजा तोहरे बंगले पर समझ में उनकी आगे बात की हो से भेंट हो गई साहब देखे दुल्ही एड़े दुल्ही कच्चे उम्र ब्याह हो गए और कच्चे पर विदाई हो गई लग कच्चे रास्ता मिल गल जाए बदे के तो गोड़े में रंग लगल रंगवा पर जब माटी लगल लगल तो कहत बका इनब खाटी भोजपुरी हो आय हाय कि तनी लैला हो पलमुआ हमके को अब ही तो पानी हम बरह बरस की धीरे धीरे उठ लौट को यह तरज वाले किन गाना का भाव अब कि मारी मारी के न चावे पपरिया बिमला कहे कि नहीं कोड़ा पर सवत होते जा तोहार बीती हो मारी भाई के न चावे पपरिया कहे कि शरीर पर कोड़ा लगत बा क
कहत बा कि आज तोहार बिटिया रही तो ना मर्दवान के बेटी के मारे में दया नहीं आवत बा। कल के रे हमार बेटी रह तो जन्मते नाच सीख लेत, गावे सीख लेत, का जरूरत मारे कर। और तुहू के नाचे गावे सीख ले तो मारब ना बल्कि तुम्हें खुद मलाई पूरी खियाई कि बढ़िया तुहार हुस्न चौचक बनल है। कल की सुना सुना हुस्न रहे चाहे जात, लेकिन एक बात याद कहला कि नाचे सीखब ना गावे सीखब ना, अगुरु पैर में बाधम ना माई जौन कहले तौने होई। चमेली कहे कि रक्षा बंधन बीत जाए, अरे धीर धरा बबुई तुहर नथर उतराई। अरे बिमला कहे कि नहीं बनिया तवई बधर, अरे भलही तुम जब बनिया। मारी मारी के नचावे पपीहा, मारी मारी के नचावे पपीहा। हम जान दे दे लेकिन अपने मतारी के बाद दुनिया से ना मिटा दे। इतनी बात जब कहले से चमेली बाई कहलिन, चमेली बाई कहलिन केरम रुपया दे रही 3,000 सूद समेत वसूल कर ले। काल रक्षा बंधन का त्योहार, अब परसों तुरे शरीर का सौदा कर दे। एक तार से मतारी के बात ना खत्म हो दे, चाहे जो कुछ जा। चमेली बाई करी काल रक्षा बंधन का त्योहार, अब परसों तुरे शरीर का सौदा कर दे। रात तो सूद समेत वसूल कर ले रुपया। रात नींद ना आई, सवेरे विमला चिंतित है। रक्षा बंधन त्योहार जोने कमरा में खिड़की खुलल बात देखते रोड पर तमाम लोग कलाई में राखी सजत बा। लोग त्योहार की खुशी में, लेकिन आज त्योहार हमारे लिए जहर हो जाएगी, यही सोच रही है। और तब तक कमरा में भगवान कृष्ण का मूर्ति दिखाई पड़ल, एक फोटो रख। और फोटो से बतियावत बा कि सुनीला कि संसार में जेकर केहू ना हो ओकर रक्षा करेला। प्यार हमार रक्षा करा तो हम तोहके जानी कि हाँ ईश्वरी शक्ति का अनुभव करे। वो कह रही है आए है, अरे दुनिया में, दुनिया में रखा लाया बलन कपनिया भैया मनमोहन। अरे कर रखिया जो हतबा बहिनिया भैया मनमोहन, बहिनिया भैया मनमोहन। अरे टंगी हुई तस्वीर श्याम की मंद मंद मुस्काई हो, बिरलिया सुबह विमला राखी थाल सजाई हो। अरे देखी खिड़की से बाहर सयनिया भैया मनमोहन, और खाकी वरदी में झलक जवनिया भैया मनमोहन। लड़की देख रही खिड़की से और यहाँ ईश्वरी शक्ति का अनुभव करे। भगवान की प्रेरणा होती है जब भगवान को याद करती है असहाय होकर के, तो असहाय की मदद यकीनन भगवान करते हैं। यह भाव है कि यादव कृष्ण नंद दरोगा बैठे कुर्सी ऊपर हो, अब कोठे ऊपर विमला सोचे भाई ला जीवन दूभर हो। कृष्णानंद दरोगा तहकीकात में आए हुए थे और ठीक खिड़की के नीचे में कुर्सी लगल और बैठ के कुछ लिखत रहलन। लड़की का कहने भगवान का प्रेरणा दिन है। अब फेंकी रखी अब फेंकी रखी खिड़की से भवनिया भैया मनमोहन, और बिरल कलाई पर राखी नितरिया भैया मनमोहन। चार रुपया बाबा और एक एक लाइन का आनंद लिहन बाबा। अरे पीत का कीमत पीमी जाले, पानी का कीमत पानी दार। अरे जल का कीमत प्यासा जाले। तुम लेदारी कभी आनंद ला कुछ भाव का आनंद ला कह कि अरे जल का कीमत प्यासा जाले, अयन का कीमत भूखा यार। अरे दान का कीमत दानी जाने, मत प्यासा जाने, अयन का कीमत भूखा यार।
मत दानी जाने आओ की मत शरणागत का जुझाने भगत का कीमत माली जाने आओ की मत वतन का पहरे अरे चादर का कीमत जाने भूमदनी रवि का कीमत कमल निहार भाई का कीमत राखी का कीमत भाई जाने कीमत भाई बहन का प्यार अरे कीमत मनवता का कोई कोई जाने ये कहीं दया का भंडार अरे जो बनी बहनिया का सुनी के पुकारिया जैसे नंगे पाव धाय कृष्ण भगवान कर्मवत कर रखिया हुमाय बदिल हलत हिंदू पहलियत भाई मुसलमान अरे वैसे कृष्ण नंद जब देख लागे ऊपर फिर की परो भाई कया बलना बड़ा नचला नवा पहुंची गए सब नवा बहिनी बतावाया पर दुखावा महाल अरे सगरी हवाली आप तवर लागी बिमला कितना था उतराई कल बिगड़ी मराई माल कितना आनंद दरोगा जब ऊपर देखलन है तो एक लड़की की चेहरे पर उदासी आंख में आंसू भरल बा झटके से पहुंच गया घर में और जहाँ कमरा में खड़ी रह लड़की पहुंचल रहे अरे लड़की ए राखी तू गिराई है पैर पकड़ लस के आज हमार केहू नहीं बा दुनिया में हमें अनाथ है और एक मामा का लड़का रह हमके लिया के यहाँ पहुंचा गल माई हमारे अंतिम समय में कहल की बिटिया संसार में स्त्री का लाज मत गवाए लेकिन हमार लाज कैसे रही हम तो बड़े बुरे जगह पहुंच गए राखी गिरौली भगवान के प्रेरणा से आराज राखी के और अपने वर्दी की कीमत रखला हमार धर्म का भाई बन जब इतना बात जब कहले सर तो बोली कृष्णा नंदा रवि चंदा मिटी जाई है और मिटी ना पहिला पर रखिया समाज चमेली पाई के गिरफ्तार कैले हले अपन दिनेश भैले के हर म्यार मामी के सदमा लगल ही आराले खाई के महुरा गवाई धली जान चमेली बाई के दरोगा जी गिरफ्तार कैले हैं के क्या वो लड़की की इज्जत अस्मत लुटवाने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है चमेली बाई का हमारे दोस्त नहीं बा एक भयवा बेच गए हमारे हाथे 3000 में चमेली बाई के बयान पर दिनेश पकड़े लेन दिनेश के सजा भइल जात तो मामी के एक का बेटवा दिनेश रहलन दिनेश के गम में मामी जहर खा के मर गई लेकिन लड़की समाजी के दल दल में फंसी बीमला लेहल बचा कृष्णानंद में हर बात धर्म के पहलिया कर रखल लगलिया चलल बस्ती बतावल सुजान अजोली और बाजा दुल्हे राजा लेके आइले हसी कुटी मरावा में भइले चतुर्दास दरोगा जी धर्म के बहन बना के लीलन आ जैसे अपने बहन बेटी का ब्याह रचाओ जलक वैसे खोज के ऊपर शादी रचौलन और शादी रचा के जैसे अपन बहन बिटिया विदा कर लगा वैसे लड़की के सुहागे रूप में विदा करे लगलन है आज जब विदा होए लगल है डोली में बैठल समाज में स्त्री का दर्जा पौलस मांग में सिंदूर पौलस और पति के घरे